एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान है साक्षी। साक्षी एक सिंगर हैं। आइए जानें उनकी मीठी आवाज़ के बारे में, उनके बारे में, उन्होंने कब शुरुआत की, वो कब से संघर्ष कर रही हैं और वो कितना सफल हो पाई हैं। साक्षी जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस प्रोग्राम में। जी सर, मैं कॉलेज लाइन से स्टार्टिंग की हूँ 2010 से। आपने कॉलेज लाइन से इस लाइन में, मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में शुरुआत की है। जी, बहुत ही शौक थी और हॉबी थी। कॉलेज में फ्रेंड वगैरह लोग बोलते थे तुम बहुत अच्छी गाती हो, तुम कोशिश करो। तो मेरी एक इंटरेस्ट भी थी, शौक भी थी कि मैं एक सिंगर बनूं, और अब तक कर ही रही हूँ। जी। तो अभी तक आपने मुख्य रूप से क्या क्या सिंग गाने गाए हैं, कौन कौन से गाने गाए हैं जो आपके ज़्यादा फेमस हुए हों, अभी तक कौन कौन सी कंपनी के माध्यम से गाए हैं? जी, एक तो मैं रिदम बीट कंपनी के जरिए गाई थी फर्स्ट एल्बम, जो ये हुलाला हुलाला जो सॉन्ग था, इसका रिमिक्स सॉन्ग बनाई थी मैं। और दो गाने होली की बनाई थी, पिया परदेसिया तू काहे होई गईला, और बाकी दुर्गा माता का सॉन्ग भी बनाई KMP कंपनी से। और फिलहाल मैं प्रीत म्यूजिक से भी करने जा रही हूँ। और बाकी अभी एक उगलवाड़े चंदा मामा जो कम है, वो हमारे एक दीपू सर हैं, वो बना रहे हैं सॉन्ग हमारे, उनके कंपनी से ही गा रही हूँ। तो साक्षी जी, जो अभी आप बना रहे हो, जो आपका आने वाला सॉन्ग है, आप उसको थोड़ा सा गा के सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों के लिए बिल्कुल गाना चाहूँगी। जो मेरा सॉन्ग है अभी उगलवाड़े चंदा मामा, बहुत ही, मतलब मैं दिल से गाई हूँ और बहुत ही अच्छे से वो कर रही हूँ। तो ये है उगलवाड़े चंदा मामा कैले बायन जोर हो, उगलवाड़े चंदा मामा कैले बायन जोर हो, हे हीरे अंजोरी ए चीत चोर हो, अब नहीं है बाबल माँ तब कब बा, करत इंतजार हम हो कर दिल भोर हो, उगल बाड़े चंदा मामा केले बायन जोर हो। तो साक्षी जी, ये आपका गाना कौन सी कंपनी से आने वाला है, कौन कंपनी रिलीज करने वाली है इसको? जी, रिलीज तो सर अभी कंपनी, एक्चुअली हम रिदम बीट से निकाले हैं, बट जो हमारे दीपू सर हैं, कंपनी का नाम तो सर ध्यान नहीं आ रहा। तो इस गाने पे आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं अभी? जी, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और नहीं, एक्चुअली ये गाना डल भी चुका है, बट मुझे सर कंपनी का नाम एक्चुअली में याद नहीं है कि क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो सॉन्ग गाई हूँ रिदम बीट से गाई हूँ। और मुझे कभी मेरे हस्बैंड ने YouTube वगैरह पे डाला, तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला गाने लाए। मुख्य रूप से आपने मेरे अंदाज में भोजपुरी में ही ज़्यादा काम किया अभी? जी, भोजपुरी में, और एक हिंदी सॉन्ग है, तो मैं अभी उस पर बहुत ही फोकस कर रही हूँ। वो सॉन्ग एक्चुअली हमारे सर हैं दीवाना जी, नारायण सिंह दीवाना जी, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है, तो वो मैं दो लाइन गा के सुना सकती हूँ अपने दर्शकों को। हिंदी सॉन्ग है, ठीक है सर। शीशा सा दिल है मेरा, तोड़ा साथी रे, शीशा सा दिल है मेरा, तोड़ा साथी रे, प्यार करोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। ये सॉन्ग है सर मेरी हिंदी। तो साक्षी जी, आप हिंदी भी गाने वाली हैं और भोजपुरी तो आपने बहुत सारे गाए हैं, क्या हरियाणवी के लिए भी आपने सोचा है कुछ? हाँ, एक्चुअली सर हरियाणवी के लिए हमारे जो सर ने गाए हैं ये गोरिये गोली चल जावेगी, राधे सर, उन्होंने हमें सॉन्ग दिया है लिख के, बोले साक्षी तू ये सॉन्ग गाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राधे सर हैं, बहुत ही मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो उनसे मेरी फ़ोन पर बात भी होती है, तो उन्होंने बोला साक्षी तू ये सॉन्ग गा, उन्होंने सॉन्ग लिख के भी दिए हैं, तो उस पर भी मैं अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, बट दो तीन लाइन है जो मैं बता सकती हूँ।
पूरा स्टार्टिंग तो याद नहीं है सर, मैं बीच से ही बताती हूँ क्योंकि मैंने गाना पे कभी जी आंधी तूफानी हूँ मैं, करती मनमानी हूँ मैं हूँ ये मस्त बिजुरिया, देती ना कोई खबरिया, कर दो जला के तुझे राख है, खाक है मेरी ये हॉट जवानी, मेरी ये हॉट। ये राधे सर लिखे हैं सर, इतना मुझे एक्चुअली ये आवाज़ थोड़ी इसकी जो भी है ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैं इस पे कर रही हूँ क्योंकि ये राधे सर का सॉन्ग है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये गा के मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा ही मेहनत करूँगी। जी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं अभी और आपके कुछ एल्बम भी रिलीज हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कंपनियों ने आपके एल्बम रिलीज किए हैं, हमारी शुभकामनाएँ आप और भी करें। अभी तक आप अपना वो कितने परसेंट सफल मानती हैं? सर अभी तक तो मैं 50% मान रही हूँ, मुझे 2019 में मेरा टारगेट है कि मैं एकदम स्टार बन जाऊँ, ये चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए नो प्रॉब्लम, मैं डट के खड़ी हूँ और 2019 में मुझे स्टार बनना है तो बनना है, कैसे बनूँगी पता नहीं पर बनना है सर। आप सिंगिंग करते हैं तो फैमिली है, जिम्मेदारी है, तो आपको घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? सर मेरे हस्बैंड का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा क्या बस वो मेरे सारा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ही है, और हमारे एक दीपू सर हैं, एक मेरा भाई प्रताप है वो भी मेरे बहुत सपोर्ट करता है, हमारे संतोष सर हैं, ये सब हमारे सब सपोर्ट करते हैं, और एक्स वाई जेड यानी हमारे जितने मतलब एक हमारे मनोज जी हैं, इनके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, बिल्कुल पागलों की तरह मेरे पीछे, उनके पास मोबाइल नहीं है, बोलते हैं भाभी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, मेरा सॉन्ग शेयर करते रहते हैं एकदम पागल की तरह, वो आपकी आवाज़ बहुत पसंद, हाँ बहुत पसंद है, वो हमारे इतने फैन हैं कि वो कहीं भी जाते हैं रास्ते में कोई मिलते हैं तो बोलते हैं भाभी ये सॉन्ग मुझे शेयर करो व्हाट्सअप करना है, तो उनके बारे में मैं बहुत बताना चाहूँगी, मैं उनकी बहुत बेसिकली मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, ये वो मेरे लिए इतना सोचते हैं सर, तो ये और बहुत हमारे बहुत सारे इतने लोग हैं जैसे नेटवर्किंग टीम है, मैं प्रॉपर्टी की जॉब करती हूँ, हमारे जितने स्टाफ हैं एम्प्लॉय हैं और सभी को आपकी आवाज़ मेरे सपोर्ट करते हैं, सब लोग बोलते हैं तुम्हारी आवाज़, और सुधीर कुमार भारती जो इंडस टावर के मैनेजर हैं और प्लस श्री सत्यपाल यादव सर जो जिला पार्षद, ये सब लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, हमारे सॉन्ग भी शेयर करते हैं, बहुत ही कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। साक्षी जिस तरह से आपके जो चाहने वाले हैं आपकी आवाज़ को पसंद जो करते हैं वो जब आपको बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है जो आपको सुनने वाले हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लगता है अब मैं अपनी लाइन में सफल हो रही हूँ और इन लोगों के सपोर्ट से लगता है मैं बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँचूंगी, सिंगर बन जाएंगे आप? जी बिल्कुल। तो आपका सपना है कि आप एक अच्छी सिंगर बने और आपका गाना फिल्मों में गाया जाए और हर गली मोहल्ले में आपका गाना बिल्कुल घर घर में बजे, रेडियो यहाँ वहाँ टीवी चैनल यूट्यूब हर जगह हो, मतलब सब लोग मेरे फैन हो और मैं सबके दिलों पे राज करूँ, जैसे जितने भी कलाकार आए लता मंगेशकर जी आए, मैं तो वो तो हिंदी के तो बहुत बड़े हैं पर मैं उनसे कम भी बनना नहीं चाहती हूँ, उतना ही बनना चाहती हूँ। साक्षी बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको कि आप बहुत अच्छी सिंगर बने और आपकी आवाज़ वास्तव में बहुत अच्छी है। आप हमारे माध्यम से जो आपको देख रहे हैं अभी दर्शक उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मुझे आपसे सबसे बड़ा तो ये है कि मुझे आपसे मिल के बहुत खुशी हुई और मैं आपके कंपनी को सर कॉलेज लाइन से ही जानती थी, नई सुबह मीडिया, मतलब बहुत उस समय मैं बहुत बड़ी भी नहीं थी तो उस समय से मुझे बहुत शौक था कि मैं बिहार में रहती थी कि ये नई सुबह मीडिया क्या है, मैं नॉवेल्स भी लिखती हूँ तो वो नॉवेल्स आपके यहाँ पहुँचाने तक आने में मुझे सर आपके पास 8 साल लग गए जो भी हो, लेकिन एक दिन मैं आपको ढूंढ ली, पता चली गया, और आपका जितने भी पत्रिका आते हैं सर मुझे बहुत ही पसंद आता है, जितने भी आप एड्स वगैरह निकालते हैं जो भी, और लोगों को आप इतने हेल्प करते हैं, बहुत ही मतलब आपको कंपनी से जुड़ के ऐसा लगा कि अब मैं तो बहुत ही जल्दी स्टार बन जाऊँगी, अब तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपके तक आ गई, तो बस यही कहना चाहूँगी क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। तो साक्षी जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान साक्षी जी, एक ये देखा आपने इनके क्या क्या सपना है और एक बहुत बड़ी स्टार बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं और देश में सभी के दिलों में राज करना चाहती हैं। फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।